हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। विंटर का सीजन अब भरपूर आ गया है और विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगाने का भी सीजन आ गया है। तो मैंने भी कुछ शॉपिंग की है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की। मैं कुछ छोटी छोटी सी पौध खरीद कर लाई हूँ और कुछ प्लांट खरीद के लाई हूँ। जो प्लांट अवेलेबल नहीं थे उनकी सीडलिंग, जो पौध अवेलेबल थी मैंने उनको खरीद लिया है। ग्रो हो जाएगा, थोड़ा फ्लावरिंग में थोड़ा सा टाइम जाएगा, पर हो तब जब तक अभी नए प्लांट आएंगे तब तक ये प्लांट थोड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनकी सीडलिंग खरीद ली है। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो आप लास्ट में लाइक कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी सीडलिंग खरीदी। पहले मैं आपको सीडलिंग दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ डहेलिया की सीडलिंग। ये देखिए, ये डहेलिया की छोटी छोटी सी पौध मुझे मिल गई थी नर्सरी पर, इसलिए मैं इनको ले ली हूँ। डहेलिया की पौध मुझे सिर्फ 10-10 रुपए में मिल गई नर्सरी पर, इसलिए मैंने इनको ले लिया है। इसके बाद मैंने परचेज़ किया है वहाँ से पिटूनिया। मैंने 2 पिटूनिया की सीडलिंग परचेज़ की है। पिटूनिया के प्लांट पता नहीं क्यों इस साल यहाँ मेरे आसपास की नर्सरीज में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। मतलब नवंबर जा रहा है पर वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। मे बी सिटी की नर्सरी में अवेलेबल हो, जो मेरे घर से बहुत दूर है, मैं वहाँ कभी कभी ही जा पाती हूँ, पर यहाँ पर मुझे ये सीडलिंग अवेलेबल थी इसलिए मैंने ये 2 सीडलिंग ले ली है पिटूनिया की। इसके बाद मैंने लिया है पैंजी। पैंजी की 2 सीडलिंग ली है मैंने। ये देखिए, ये बहुत पैंजी तो बहुत छोटे पौधे हैं, मुश्किल से इसमें 5 से 6 लीव्स ही हैं, पर हो गया, मुझे अवेलेबल नहीं थे पैंजी के प्लांट इसलिए मैंने इनको ले लिया है। और इस सीडलिंग के प्राइस में आपको बता देती हूँ, मुझे सारी सीडलिंग 10-10 रुपये करके मिल गई इसलिए मैंने इनको ले लिया वहाँ पर। और ये प्लास्टिक के बैग में, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बैग में लगी हैं। और एक मिल गया मुझे यहाँ पर एस्टर का सीडलिंग। पिछले साल मुझे एस्टर नहीं मिला, मुझे एस्टर के फ्लावर बहुत खूबसूरत लगते हैं पर पिछले साल नहीं मिल पाए, इसलिए इस साल मिला तो मैंने एक सीडलिंग एस्टर की भी ले ली है। और मैंने लिया है एक कैलेंडुला। कैलेंडुला का प्लांट तो फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में और काफ़ी बड़ा है। ये भी मुझे वहाँ पर 10 रुपये में ही मिल गया और मैंने 8 सीडलिंग खरीद ली है। और इसके बाद मैंने खरीदे हैं कुछ फ्लावरिंग प्लांट, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको साल, ये सिलोसिया। ये देखिए, मैंने सिलोसिया के 2 कलर खरीदे हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ऑरेंजिस रेड कलर है और ये मरून कलर है। मरून है, ये पिंकिश सा पर्पलिश सा कलर है। शायद आपको इतना अच्छा वीडियो में नहीं दिखाई दे पर ये बहुत खूबसूरत कलर है। ये देखिए, ये 2 मैंने ले लिए हैं। और इसके बाद मैंने लिया है एक साल्विया का प्लांट। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का साल्विया, इसमें फ्लावर आया था पर ये लाने में थोड़ा सा टूट गया है, इसलिए मैं एक साल पिछले साल मैंने रेड कलर का साल्विया लगाया था, उसके कुछ सीड्स मेरे पास थे तो मैंने उनको सीड डाल दिया है ग्रो होने के लिए, पर मैंने इस बार एक ऑरेंज कलर का साल्विया का प्लांट ले लिया है। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कली आ रही है, अब इसमें भी फ्लावरिंग होगी। और मैंने ख़रीदा है एक विंका। देखिए कितना प्यारा मरूनिश रेड कलर है, ये बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ये विंका का, ये हाइब्रिड विंका है। ये भी मुझे 20 रुपीज़ में मिल गया। वैसे मेरे जो ये सारे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स आए हुए हैं, ये मुझे 20-20 रुपीज़ के मिले हैं नर्सरी पर। और इसके बाद मैंने लिया है 2 डायंथस। ये देखिए, ये जो डायंथस है ये डबल शेड में है, वाइट और मरून में। और जो मेरा दूसरा डायंथस है उसे मैंने ऊपर छत पर लगा दिया है गमले में, और वो पूरा मरून कलर का है, उसमें शेड नहीं है, वाइट कलर का बिल्कुल लाइट सा शेड है पर वो ऐसे पता नहीं चलता है, सिंगल कलर का ही है वो। तो डायंथस के मैंने लिए 2 प्लांट। और उसके बाद मैंने लिया एक गजानिया का प्लांट। ये देखिए गजानिया, इसमें बहुत सारी कलियां भी आई हुई हैं। ये देखिए कलियां भी आ रही हैं, और अभी जब इसको मैं लगा दूंगी पॉट में तब ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये थी फ्रेंड मेरी विंटर फ्लावरिंग प्लांट की शॉपिंग। और अगर आपने भी अभी तक शॉपिंग नहीं की है तो शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सही समय है प्लांट्स को लगाने का। फिर जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी इनमें फ्लावर्स बढ़ जाएंगे और गार्डन बहुत खूबसूरत लगेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।